नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन आइए सुनते हैं पशुपति व्रत की महिमा। सनातन धर्म में ज्ञान और धर्म का समन्वय है। हिंदू धर्म में व्रत एवं कथा का खूब महत्व है। इसमें भी भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ व्रत अद्भुत है। धर्माचार्यों की माने तो अति शीघ्र लाभ पाने के लिए यह व्रत उत्तम है। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत की महिमा। पशुपतिनाथ व्रत क्या है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, ये व्रत को पशुपतिनाथ व्रत क्यों कहते हैं, ये व्रत किसे करना चाहिए, ये व्रत से क्या लाभ होते हैं, पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है, यह सारे सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा। पशुपतिनाथ व्रत का उल्लेख शिव महापुराण में है। सृष्टि के सर्जनहार देवों के देव महादेव संसार के मोह माया से परिचित हैं। संसार के सभी पशुओं के मालिक हैं, नाथ हैं, इसीलिए इन्हें पशुपति नाथ कहते हैं। एक कहावत है, मानव मात्र भूलनी पात्र, यानी हर एक मनुष्य से जीवन में कहीं न कहीं गलती हो जाती है और कर्म के विधान के अनुसार अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने वाले को अपने कर्म के हिसाब से उन्हें फल मिलता है। हम मनुष्य हैं, पर कई बार हम मानवता छोड़ पशु जैसा वर्ताव करते हैं। पशु जैसा वर्ण का अर्थ है हम मानव हैं, ये भूलकर हम गलत काम करते हैं जो एक मनुष्य को शोभा नहीं देता। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें हर एक कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। कई बार हमारे पापों का पटरा इतना बड़ा होता है कि उससे मिलने वाले दुख सहन करने की शक्ति नहीं होती। जीवन में अचानक आने वाली आफतें हमें विचलित कर देती हैं, आगे का रास्ता नहीं दिखा रहा होता, यहाँ तक कि हम मृत्यु के लिए सोचने लगते हैं। हमें दुख की इस घड़ी से बाहर निकलना है तो हमें भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। हमारे कर्म हमें पता है और भगवान को पता है। कोई भी मनुष्य का अच्छा या बुरा होता है तो उसे उसका कारण भी उसे पता होता है। हम हमारे कर्म का पश्चाताप करना चाहते हैं। प्रायश्चित हम जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम आगे का जीवन परिवार के साथ सच्चे मनुष्य की तरह बिताना चाहते हैं तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पर व्रत करने से पहले हमें निष्पाप होना है। मन वचन कर्म से किसी का गलत नहीं करना है और ना ही गलत सोचना है। हमें शुद्ध होके भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारी गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम पे कृपा करो और जीवन की इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकालो। पशुपतिनाथ का व्रत दो तरह से प्रचलित है। दोनों प्रकार के व्रत की विधि मैं वर्णन कर रही हूँ। शिव पुराण के हिसाब से जो व्रत की विधि है उसे भी यहाँ वर्णन कर रही हूँ। हमें सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं यहाँ दो व्रत की विधि बता रही हूँ क्योंकि लोग दोनों व्रत करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं। भगवान शंकर को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वो भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की मनोकामना पूर्ण करने वाला और सभी समस्या दूर करने वाला व्रत है। पशुपतिनाथ व्रत
सोमवार को आरंभ किया जाता है। इसे आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। ये व्रत 5 सोमवार का होता है। सोमवार के दिन व्रत रखना होता है। आखिर यानी 5वें सोमवार को उद्यापन करना होता है। जिस सोमवार को व्रत शुरुआत करते हैं उसी सोमवार को सुबह स्नान करके शिवालय जाना है। हमारे घर के नजदीक का मंदिर जहाँ शिव जी का सारा परिवार हो वहाँ जाके पूजा अर्चना करना है। पूजा की थाली में शिव जी को जो पसंद है वह सारी पूजा सामग्री लें, जिसमें बेलपत्र, धतूरा का पान, गंगा जल या स्वच्छ पानी, दूध, पंचामृत, पुष्प, धूप, सली और दीपक लेके आए। पूर्ण भक्ति भाव से पूजन अर्चन करें। अपनी समस्या दूर करने हेतु आप यह व्रत कर रहे हैं। ये मैंने ही मन भगवान को कहा है और भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करते समय हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, ध्यान करें। शाम को फिर एक बार स्नान करके शिव जी के मंदिर जाना है। पूजा की थाली में 6 दीपक लेके जाएं, 5 वहीं पर मंदिर में जलाएं और 6ठा दीपक अपने घर लाना है। 6ठे दीपक को घर के प्रवेश द्वार में ही दाहिनी बाजू में रखकर उसे प्रज्वलित करें। शाम को मंदिर में प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद में कोई भी मिठाई बना सकते हैं। इसमें चूरमा के लड्डू, सिरा, खीर, कोई भी मिठाई ला सकते हैं। प्रसाद का 3 हिस्सा करना है। 2 हिस्सा मंदिर में भगवान को अर्पित करना है। 1 हिस्सा का प्रसाद घर वापस लाना है। घर के सभी सदस्य में बांटना है। खुद भी ग्रहण करना है। व्रत के समय पूरे दिन नमक नहीं खाना है। दिन में फलाहार कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद रात का खाना खा सकते हैं। ये व्रत 5 सोमवार तक करना है। प्रति सोमवार इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। कलयुग में अति शीघ्र फल देने वाला पशुपतिनाथ का ये व्रत का उल्लेख पुराणों में विदित है। पुराणों में श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ का ये व्रत किया जाता है, अवश्य फल की प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ व्रत कोई भी स्त्री और पुरुष कर सकता है। ये व्रत खंडित किए बगैर लगातार 5 सोमवार करना चाहिए। स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान परिवार के कोई स्नेही स्वजन से पूजन करा सकती है। यदि किसी कारणवश व्रत के दिन पूजन शक्य नहीं है तो व्रत जरूर करें। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन भी व्रत करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। उस दिन नमः शिवाय का जाप करके 108 बेलपत्र चढ़ाएं, 1 श्रीफल लें और उस पे 7 बार मौली लपेटें, श्रीफल शिव जी को चढ़ाएं, भोग में मिठाई के साथ ऋतु फल का भी भोग लगाएं, मंदिर में ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें, 1 समय का कच्चा खाना देना है और जो भी अपनी शक्ति के अनुसार दे सकते हैं प्रदान करें। मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है तो उसे अवश्य लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन में कोई मुसीबत है, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी की समस्या है, अपने काम से परेशान है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई है, उसे दूर करना है, विवाह का योग नहीं बनता है तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। निसंतान वैवाहिक जोड़े को संतान प्राप्ति के हेतु ये करना चाहिए। ऐसी कई मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु भगवान पशुपतिनाथ का व्रत किया जाता है। आप ये व्रत लगातार कर सकते हैं, यानी कि ये व्रत 1, 3, 6, 12 दिन तक कर सकते हैं। एक कई महीनों या साल तक भी कर सकते हैं।
ये व्रत शिवालय यानी भगवान शिव के मंदिर में करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा सुबह में भी करनी चाहिए और प्रदोष काल में भी करना चाहिए। भगवान शिव के प्रिय वस्तु से पूजन करना है। भगवान पशुपतिनाथ पांच मुखी हैं, इसीलिए हमें हर एक रूप के लिए एक दीपक प्रज्वलित करना है। सुबह और शाम पांच पांच दीपक जलाएं। भगवान पशुपतिनाथ को जो भी अर्पित करें वे पांच बार करें। भगवान पशुपतिनाथ के पांच मुख हैं। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं पर हमें अंतर मन से ध्यान करना है कि पंचमुखी भगवान हमारे सामने हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं। व्रत करने वाले को हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान को जो अर्पित करेंगे वो भी श्वेत वस्त्र ही अर्पित करेंगे। सुबह के पूजन में आप फलों का भोग लगाएं और शाम मिठाई का भोग लगाएं। व्रत के समय से फलाहार करना है। शाम को पूजन के बाद मीठा और सात्विक भोजन कर सकते हैं। घी से बना हुआ मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण पवित्रता से होना चाहिए। इस समय अशुद्ध जगह में नहीं जाना चाहिए। सूतक वाला घर या मासिक धर्म वाली महिला के अंतर बनाए रखें। हमें काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी की निंदा सुननी चाहिए। किसी भी व्रत की तरह इसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए अभिषेक करना चाहिए। हम जो भी अर्पण करें पशुपतिनाथ का स्मरण करके करें। 108 बेलपत्र अर्पण करें। श्वेत फूल स्वर्ण कमल धूप पांच दीपक प्रज्वलित करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उत्तम मानी जाती है। शाम को पूजा जरूर करें। जब हम व्रत करते हैं तब उपवासक आवश्यक है कि हमें व्रत के दिन उपवास करना है। हम जो चीजें उपवास के दिन खा सकते हैं वह हम पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपवास के दिन फलाहार करने को कहा है।